हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवी टेक एंड टूर। में गाइस, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। गाइस, ये ट्राइपॉड मेरे को 130 रुपए का पड़ा है मेरे लोकल मार्केट में, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में 250 से 300 रुपए में बिकता है। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए इसका फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका अंदर से एक निकलता है फोन माउंट के लिए, जो कि एबीएस प्लास्टिक से बना हुआ है, काफ़ी मजबूत लग रहा है। और ये इसका स्टील का फ्रेम है, स्टील का तो नहीं है, लोहे का है, जीआई का हुआ शायद। और ऊपर इसका एक ये रबर का दिया हुआ है, हम लोग इसको खींच सकते हैं फोन माउंट करने के लिए। बाकी अपना जो मेन यूनिट है वो अंदर है। ये गाइस ट्राइपॉड का मेन यूनिट है, जो कि ऊपर एक स्क्रू दिया हुआ है। गाइस, ये जो है ये उसका लॉक के लिए दिया गया है। अगर हम लोग इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो इसको इधर शो करता है, आपको दिख रहा होगा कि ये लॉक ओपन हो गया है, ताकि हम लोग इसको फ्रीली मूव कर सके कोई भी डायरेक्शन में। अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये स्प्रिंग अटैच्ड है, जो कि एक लॉक पे आकर रुक जाता है। ये फर्स्ट लॉक है, जो कि हम लोग इसको इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, थोड़ा हार्ड होगा। लेकिन अगर गाइस हम लोग कोई भी डायरेक्शन में रख के अगर इसको और थोड़ा इधर प्रेस कर देते हैं तो ये फर्स्ट लॉक पर आ जाता है, सॉरी ये सेकेंड लॉक पर आ जाता है। ये फर्स्ट लॉक है, ये सेकेंड लॉक है, जिसके वजह से ये और मूव भी नहीं करेगा बिल्कुल। और गाइस, इसको देखने पे काफ़ी मजबूत लग रहा है, एबीएस प्लास्टिक से बना हुआ है और मेट लुक में तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इसको हम लोग ऐसे ओपन कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ओपन करके ऐसे रख सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत लग रहा है गाइस, इसमें हम लोग DSLR कैमरा भी फिट कर सकते हैं। और ये मोबाइल होल्डर के जरिए हम लोग इसमें स्मार्टफोन अटैच करके भी वीडियो बना सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। और गाइस, इसके नीचे रबर का लगा हुआ है, रबर का छोटा छोटा पैड दिया हुआ है, जिसके वजह से ये फ्रिक्शन ना हो, फिसले ना, और अपने जगह पे स्टेबिलिटी बनाए रखे। मैं इसमें आपको फोन फिट करके दिखा देता हूँ। एक गाइस, इस पर इसको माउंट करने की कोशिश करते हैं। ये गाइस, इसको घुमाने पे ये ऐसे टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद हम लोग मोबाइल लगा के चेक करते हैं। देखिए, इसको ऐसे लगा के ऊपर से खींचने पर ये लग गया। ये देखिए गाइस, आराम से इसमें ब्लॉगिंग वगैरह बना सकते हो। ये देखो, पीछे से ऐसा दिखता है और सामने से ऐसा दिखता है। अगर हम लोग इसको निकालना चाहें तो इसको खींच के मोबाइल पर आराम से निकाल सकते हैं। जो भी देखो, ये ट्राइपॉड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को सस्ते में भी मिला। ये मेरे को 130 रुपये का पड़ा है, बाकी अमेजन में और फ्लिपकार्ट में तो काफ़ी महंगा है, 250-300 का पड़ता है। ये ट्राइपॉड आपके लोकल मार्केट में कितने का पड़ता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, हैव ए ब्यूटीफुल डे।